अगर आप भी गाना चाहते हैं मैनू विदा करो सॉन्ग, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड में कैसे आप नोटेशन के साथ इस गाने को सीख सकते हैं वो नोटेशन भी प्रोवाइड की है और वो स्टेप्स भी शेयर किए हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वर्षा त्रिपाठी। आई एम अ सिंगर, कॉन्टेंट क्रिएटर एंड योर डिजिटल वोकल कोच। तो आज का जो हमारा सॉन्ग है वो है मैनू विदा करो। तो हम सबसे पहले समझते हैं इस गाने की फील क्या है। इस गाने की फील है सार्केस्टिक। एक तरीके से जो सिंगर है उसके साथ इतना ज़्यादा गलत हुआ है, अगर आपने देखी हो मूवी या फिर आपको पता हो इस इंसिडेंट के बारे में, तो बहुत ही सैड घटना है ये, बहुत ही दर्दनाक घटना है। और इसीलिए कहीं ना कहीं इस गाने को ऐसा बनाया गया है कि जहाँ सिंगर बोलता है कि हाँ सारी गलतियाँ मेरी हैं, मैं ही सबसे ज़्यादा गलत हूँ, आप सब बिल्कुल सही हैं, आप सब बहुत खुश रहिए, पर मुझे जाने दीजिए। तो ये है बेसिकली सॉन्ग का फील। सो इट्स अ वेरी वेरी हार्ट टचिंग एंड वेरी वेरी अमेजिंग सॉन्ग। इस फील को ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। गाने का जो स्केल है वो ओरिजिनल स्केल है ए शार्प, बट अगर आप एक फीमेल हैं तो आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू प्रैक्टिस इन जी, ताकि आपको जो है बहुत कंफर्टेबली आप ऊंचे नोट्स गा सकते हैं, बिकॉज आगे चल के गाने में बहुत ऊंचे नोट्स लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैं वीडियो को जी स्केल में ही आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, सो ध्यान से देखिएगा। सो फर्स्ट लाइन है मैनू विदा करो, उसके नोट्स कैसे हैं, गा मा पा 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 मा पा धा पा गा। अब देखिए कि मैनू विदा करो, सो यहाँ पे एक मुरकी ली गई है करो में, तो क इज स्ट्रेट एंड देन रो करो, फुल लाइन इज मैनू विदा करो। ठीक है, मैनू विदा करो जी। अब एक एक समझते हैं कि स्ट्रेट लाइंस एंड मुरकीज कैसे ली गई हैं। मैनू विदा गामा धा 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 पा निसा नी धा, सो ये निसा नी धा, इसको फास्ट लिया गया है। सो करो जी रो जी, तो फास्ट लेने में ये मुरकी के रूप में आपको सुनाई देती है। फिर से देखते हैं लाइन, मैनू विदा करो मैनू विदा करो जी, गामा धा 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 पा निसा नी धा। नेक्स्ट, मैनू अब विदा करो मेरे यार, मैनू ब्रेक करके देखते हैं, अब विदा पापा नी नी। सबसे पहले आप नोटेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि नोटेशन आपके सामने रहेगी तो समझने में आसानी होगी। नोटेशन को जो है मैंने आपको नीचे एक लिंक में दिया है, उसको डाउनलोड कीजिए, सामने रखिए और तब ये वीडियो देखिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स कंटिन्यू, मैनू अब विदा पापा नी नी करो नी नी सा मेरे घर सा यारा सानी धापा मैनू विदा। अगेन सेम, गामा पापा मैनू विदा करो, गामा पापा क मा पद पागा मैनू विदा करो, मैनू विदा। सेम, गामा धा धा पा निसा नी धा करो जी, अब विदा पापा नी नी करो मेरे यार नी नी सा गा रे सा, तो सा पेंड होगा करो मेरे यार। ठीक है, ये लाइन फिनिश हुई। नेक्स्ट वन, तुम सभी, अब ये बहुत ऊपर जाएगा, नी रे रे गा मा, ठीक है, ऊपर एकदम जा रहा है, पा गा मा पा नी रे रे कंटिन्यू गा मा पा, तुम सभी गा मा पा पा क
अब वहीं से पा से ही फिर नीचे आ रहा है, पा गा रे सा नी पाक सही, सॉरी साफ सही, फर्स्ट इज साफ सही, सो पा गा रे सा नी साफ साफ सही, देन अगेन नी से नी रे रे सा सही, ये समझिए तो मुर्की के फॉर्म में कैसा आएगा, सही सही हूँ मट मैला मैं पानी नी पा नी सागर सा, हूँ मट मैं पानी नी नी पा हूँ मट मैला मैं नी सागर सा। सो नेक्स्ट लाइन जो है वो बिल्कुल सेम है, इट गोज लाइक तुम सभी पाक मगर नी रे गम पा पा मा नी रे गम पा पा गा रे सा नी नी रे रे सा, तुम सभी नी रे गम पा पाक पा गा रे सा नी सही मगर नी रे रे सा मगर पाप का दरिया में। पाप का दरिया में, सो हाउ इट गोज, पाप का दरी, इट्स सेम, पानी नी पा नी सागर सा नी दा पा, यहाँ पे ये चेंज है कि वहां से उतरेगा लाइन कि पाप का दरिया मैनू विदा, तो आगे बढ़ने के पहले मतलब आगे की लाइन आने से पहले ये कि मैनू विदा करो आना है, तो वो ऊपर जा करके लाइन नीचे आएगी। हाँ जी, तो अंतरे पे चलते हैं, मेरे सर पे सारी तोहमत। अब जब आप ये गाना सुनेंगे तो सिंगर देखिएगा किस तरीके से एक ऐसी फील डालती हैं गाने में कि एकदम जैसे गिव अप कर दिया है, जो गा रहा है उसने गिव अप कर दिया कि मेरे सर पे ही तुम सारी तोहमतें डाल दो, ठीक है ना, तो गाते वक्त ये फील को ध्यान रखिएगा। सो लेट्स सी, मेरे सर पे, एक एक लाइन करके जाते हैं, पानी धानी सा 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 मेरे सर पे, सा तक है ये, सा निधानी सा 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 निधा सारी तोहमत सा 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 आ आ, ये मुर्की से थ्रो करना है इस वर्ड को, मेरे सर पे सारी तोहमत, ठीक है, तुम धर देना, नोटेशन देखते हैं, निसा तुम धर निसा धपा निसा धपा तुम धर, थोड़ा सारे नोट्स को ना एक फ्लो करके गिर रहा है बेसिकली, ये वर्ड एग्जैक्टली नॉट तुम धर ऐसे, तुम निसा धापा तुम धर, देखिए कई कुछ नोट्स को ना लेते हुए गिर रहा है ये वर्ड, इट्स नॉट लाइक तुम धर देना, ऐसा नहीं है। आप ना गा पाए मुर्कियां तो सिंपली ऐसा गा सकते हैं, मगर एक्चुअली गाया सिंगर ने ऐसे है, तुम धर देना, सो पा सा धा पा मा तुम धर देना, ठीक है, मैं हूँ, सो मा मा पा धा मैं तो, यहाँ पे थोड़ा जल्दी से मतलब क्विकली लिया गया है ये दो सुर, मा पदा मैं तो मैं हूँ
धनी दा मा. सो मैं में धा कंटिन्यू हो रहा है, राइट. मा पा धा, मा पा धा, हूँ धनी दा मा. मैं हूँ रूह भी मेरी. अगली लाइन कैसी है? रूह भी मादा निजनी धा रूह. ये हल्की सी मुर्की है, तो मादा निजनी रूह भी मेरी. मादा निजनी धा धा पा रूह भी मेरी. पा पागल कर देना पापा नीधा नी सानी रे सानी धा पा. पागल पापा पा कर नी नीधा कर कर. सो सिंगर ने जल्दी गाया है पागल कर देना, पर इसका स्लो वर्जन कैसा है? पागल कर कर नीधा नी सानी रे सानी धा पा पागल कर. तो देखिए मूवमेंट कैसा हो रहा है, कर देना. अगर आपकी सरगम की प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बहुत इजीली समझ पाएंगे कि चाल कैसी है जो इस लाइन को गाया गया है. पागल कर देना बहुत ब्यूटीफुली गाया गया है, इसको ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा. तुम खुश रहना. सो तुम खुश गा मा पा तुम खुश रह पापे स्टे है रहना. अब यहाँ मुर्की है पद पा मगा रहना. अब माँ और गा में आते वक्त एक और मुर्की दी गई है. ये अक्सर क्या होता है, गाने को आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे ना मुर्की डेवलप होने लगती है. रियाज अगर करते जाएंगे, अलंकार का कुछ रियाज मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी, आपको आई बटन में दिखेगा. तो अगर आप अलंकार का प्रैक्टिस करना चाहते हैं ताकि ये मुर्कियाँ आपके गले में आ जाएँ, तो आप वहाँ उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं. आगे फिर से एक बार देखते हैं. गा मा पा 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 पद पा मा गा तुम खुश रहना. ठीक है, आप सिंपली कर दीजिए रहना तुम खुश रहना पद पा मा गा. ये भी चलेगा. सब कुछ सहना गा मा पा धा 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 धनी धा धा. बहुत ब्यूटीफुली बनाया गया है इस गाने को, मतलब रहमान साहब ने इतने सुंदर क्रोमैटिक नोट्स का प्रयोग किया है. ये देखिए धा धा, पहला धा शुद्ध है, दूसरा धा कोमल है, आपको नोटेशन में दिख जाएगा. ज़रूर नोटेशन को डाउनलोड करके ही आप ये वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा. सो तुम खुश रहना सब कुछ गामा पाधा सब कुछ सह धा धा ना धनी धा धा. ठीक है, मुझको धा धानी आहा ब्यूटीफुल. धा कोमल धा धा शुद्ध धानी शुद्धनी तुम खुश सब कुछ सहना मुझको धा धानी आ नी सा धानी आ ता है नी सा धानी नी रे करे सानी. सो तुम खुश रहना सब कुछ सहना. अब मुझको आ आता है ता है ता है सानी दा पामा. ठीक है, टूटे तारे मामा गा मारे गा रे सा टूटे तारे टूटे टूटे ता. सो मामा गा मा टूटे तारे. अब रे को कैसे गाया है, रे गा रे सा टूटे तारे गा रे सा टूटे तारे टूटे तारे गा रे सा. ठीक है, सो उसको हर मुर्की में लिया गया है, तो टूटे तारे
तारे रे 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 टूटे तारे। इसको जब जल्दी करेंगे तो ऐसे होगा का धरती से, तो का धरती कैसे है, सा सा धा का धरती से, धनी धा पा धनी धा पा टूटे टूटे तारे का धरती से, धनी धा पा से कैसा, अगली लाइन पापा कैसा ना नी धा नी सा नी रे सा नी धा पा धमा पा। अब देखिए लाइन को कैसे गाया है, कैसा नाता है, सो आप कैसे करेंगे धीरे धीरे, कैसा ना ना नी धा नी सा नी रे सा नी नाता है, नी धा धा सॉरी धा पा ता है था पा धमा पा है मैनू विदा। सो दैट इज़ इट गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप बहुत आसानी से धीरे धीरे इन प्रैक्टिसेस को करके इस गाने को गा पाएंगे, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं, कौन से गाने को आप बहुत टाइम से सीखने का प्रयास कर रहे हैं बट नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसका नाम मुझे लिख के दीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि किसी ना किसी वीडियो में मैं उस गाने को आपके लिए ब्रेक डाउन करूँ। एंड दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड गाइज, दिस इज़ योर वर्षा त्रिपाठी साइनिंग ऑफ।